इस वेले की वड्डी खबर है कि संगरूर लोक सभा हल्के की जिमनी चोन श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सिमरजीत सिंह मान ने वड्डी जित हासिल कर ली है। इस बार संगरूर लोक सभा हल्के की चोन च वड्डा फेरबदल देखने को मिलिया है। कई सालों तो सियासी हासिए से चल रही श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने अज वड्डी बाजी मारी है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सिमरजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह करांचो तो 7000 तो वध वोटां दे फर्क नाल जित हासिल की है। वोटां दी गिनती दौरान सिमरजीत सिंह मान एक नंबर ते चल रहे सन, जदके दूजे नंबर उपर आम आदमी पार्टी आई है। इत्थे जिक्र योग है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान दे पिंड सतौज तो भी सिमरजीत सिंह मान ने जित हासिल की है। दूजे पासे खास गल यह है कि श्रोमणी अकाली दल बादल नूं वड्डा झटका लगा है। श्रोमणी अकाली दल बादल दी उम्मीदवार सब तो पिछे रही है, जबकि पहली बार चोन लड़ रही भाजपा भी उन्हां तो अगे निकल गई है। कांग्रेस 3 नंबर ते रही है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार वालों दावा किया जा रहा है कि उन्हां दी जित संगरूर तो पक्की है। फिलहाल लोग सोशल मीडिया से आप दे मंत्री हरपाल सिंह चीमा नूं भी सवाल कर रहे हैं, जिन्होंने निजी चैनलों उपर इंटरव्यू दौरान कागज उपर लिख के दिता सी कि वड्डे मार्जन के नाल आप संगरूर तो जित हासिल करेगी। आप दे विधायकों ने तो इतों तक भी कहा कि आप भारत विचों कितों भी हार सकती है पर संगरूर तो नहीं हारेगी। सवाल यह भी है कि 100 दिन च ही लोगों का मोह आप नालों क्यों घट गया ते सियासी हासिए ते चल रही पार्टी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर नाल किवें संगरूर वालियां का मोह जाग गया। लोगों का यह भी कहना है कि सिद्धू मूसे वाले का कतल का असर संगरूर चोन ते खासा पिया है। फिलहाल जित तो बाद सिमरजीत सिंह मान के खेमे च जशन का माहौल है, जबकि आप पार्टी के बने बनाए वलड्डू भी बेकार हो गए ने। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर हरपल इंडिया।